दोस्तों तो कैसे हैं आप सब मैं नीरु धामा स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल धामा अकेडमी पर जहां हम लोग रिसर्च के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये उसका पार्ट थ्री है सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन इन विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब दी लाइफ्स ऑफ पीपल आर एक्सप्लोर्ड इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में इंडिविजुअल स्टोरीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है उनके लोगों की लाइफ्स के ऊपर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन एथनोग्राफी ऑप्शन ए एथनोग्राफी ऑप्शन नंबर बी ग्राउंडेड थियोरी रिसर्च ऑप्शन नंबर सी सिंबॉलिक इंटरेक्शन एंड ऑप्शन नंबर फोर नेरेटिव रिसर्च सो द आंसर वुड बी ऑफकोर्स फोर्थ वन बिकॉज इट सेट द नेरेटिव नरेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जहाँ पर हम अगेन किसी व्यक्ति की लाइफ को या लोगों के या किसी ग्रुप समूह की लाइफ्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं या उनकी लाइफ स्टाइल या फिर जो भी है उनको समझने की हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट है द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स बिकम रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च इनमें से कौन सी स्टेज पर एथिक्स ऑफ रिसर्च जरूरी होते हैं ऑप्शन नंबर वन प्रॉब्लम सिलेक्शन ऑप्शन नंबर टू हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन ऑप्शन नंबर सी हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑप्शन नंबर डी डेटा analysis एंड interpretation ऑप्शन नंबर ई डिफाइनिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इनमें से किस में आपको एथिक्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती है अकॉर्डिंग टू यू सो यू कैन इजीली सी जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें एथिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं इंटरप्रेट करते हैं तब हमें एथिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कारण क्या होता है सो आंसर इसका सेकंड होगा सी एन डी कारण क्या होता है कि देखिए यही वो टाइम होता है जहाँ हम कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं तो हमें अपने एथिक्स को ध्यान रखते हुए कि कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं डालेंगे कुछ भी रिसर्चर्स का आइडिया नहीं डालेंगे वहाँ हमें बहुत ज़्यादा एथिक्स की ज़रूरत होती है तो इसलिए आंसर क्या होगा सेकेंड एंड सी एंड डी इन विच आर द फॉलोइंग सैम्पल मेथड इम्प्लॉयड इन रिसर्च द यूनिट कम्प्राइजिंग द सैम्पलिंग आर गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस इसमें से कौन सी ऐसी सैम्पलिंग है जहाँ हर एक यूनिट को इंडिविजुअल चांस दिया जाता है क्या वो स्टेज सैम्पलिंग है क्या वो क्लस्टर है डायमेंशनल है या स्नो बॉल है सो द आंसर इज वॉट इज द आंसर द आंसर इज बी क्लस्टर सैम्पलिंग आपको पता है कि आपको पता होगा कि सैंपलिंग हमारी दो तरह की होती है एक हमारी होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी जैसे कि नाम बताता है प्रोबेबिलिटी में आता है रैंडम सिलेक्शंस क्या आते हैं उसमें हमारे रैंडम सिलेक्शंस और इसमें हमारे आते हैं नॉन रैंडम तो अगर हम इसे समझें तो आपको बता दें कि रैंडम सिलेक्शन में क्या होता है कि चीज़ें अपने मतलब हम कोई उसमें मैनिपुलेशन नहीं करते कुछ अपना ही uh, नहीं लाते जैसे कि उसमें उसके अंदर आता है आपका क्लस्टर स्ट्राटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड मैनी मोर इसी तरह से नॉन प्रोबेबलिस्टिक में भी आपका आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग जजमेंटल सैंपलिंग स्नोबॉल एंड मेनी मोर तो क्योंकि इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जहाँ पे यूनिट कंप्राइजिंग इंडिपेंडेंट चांस हो इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस हो तो इसका आंसर ऑफ कॉर्स क्लस्टर ही होना था नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर आपको पता है इनमें से कौन सी रिसर्च साइक्लिक है ऑप्शन नंबर वन फंडामेंटल रिसर्च ऑप्शन नंबर टू इवेल्यूएटिव रिसर्च ऑप्शन नंबर थ्री अप्लाइड एंड फोर्थ वन इज़ द एक्शन रिसर्च सो आंसर बहुत नोन है आंसर क्या होगा एक्शन रिसर्च क्यों होगा एक्शन रिसर्च आपको शायद पता होगा प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट ये हमारी एक्शन रिसर्च होती है और ये आप देख सकते हैं एक ये साइकिल की तरह है तो इसलिए इसका नाम क्या होता है साइक्लिक रिसर्च है ये एक्शन रिसर्च इज साइक्लिक रिसर्च नेक्स्ट वी हैव इन ऑफ़ द फॉलोइंग फॉर्मेट रिसर्च इज़ मोस्ट पेपर जब हम प्रेजेंट करते हैं उनमें ऑप्शन नंबर सी में या ऑप्शन नंबर डी रिसर्च स्नोप में देखिए कितना आसान क्वेश्चन आप आंख बंद करके इसका आंसर दे सकते हैं रिसर्च आर्टिकल में बिल्कुल होती है जब हम सेमिनार प्रेजेंट करते हैं बिल्कुल होती है और थेसिस में तो होती ही है लेकिन रिसर्च सिनॉप्सिस में आपको एब्सट्रैक्ट की आवश्यकता होती नहीं है आप थोड़ी कोई पेपर लिख रहे हो वहाँ पे तो आपको सिर्फ एक परफॉर्मा देना होता है कि हम किस तरह से अपनी रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो रिसर्च सिनॉप्सिस इसका आंसर नहीं होगा सो आंसर वुड बी ए बी एंड सी ओके सो नेक्स्ट वी हैव हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कंसेप्ट इन विच टाइप ऑफ रिसर्च इनमें से कौन सी रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो बहुत ही मेन टाइप है रिसर्च का तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का आंसर क्या होगा आपको क्या लगता है किसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग सबसे ज़्यादा होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हिस्टोरिकल रिसर्च में सर्वे मैथ रिसर्च में या एक्स एक्जेटिक रिसर्च में तो इसका आंसर बहुत क्लियर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट और सबसे ज़्यादा हाइपोथेसिस सबसे ज़्यादा इसमें हम टेस्ट करते हैं नेक्स्ट वी हैव डाटा बेस डब्ल्यू ओ एस स्टैंड फॉर जो ये डब्ल्यू एस है या डब्ल्यू ओ एस है ये किसके लिए स्टैंड करता है वेब ऑफ साइंस वर्ल्ड ऑफ साइंस वेब ऑफ सोर्स या वेब ऑफ सर्विस सो द आंसर वुड बी वेब ऑफ साइंस द आंसर वुड बी वन वेब ऑफ साइंस नेक्स्ट वी हैव स्पॉटिंग गैप्स इन द रिसर्च लिटरेचर क्या कहा गया है गैप्स को पढ़ना रिसर्च लिटरेचर में इज़ द चीफ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग रिसर्च क्वेश्चन इन द कंटेक्सट स्पॉटिंग गैप्स इन रिसर्च लिटरेचर रेफर टू आपको पता है कि जब हम कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं या कोई थेसिस बनाने की कोशिश करते हैं कुछ भी रिसर्च करने की कोशिश करते हैं सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है हमारा गैप्स को फाइंड आउट करना सबसे पहला काम क्या होता है हमारा गैप्स को फाइंड आउट करना तो इन्होंने बोला है कि द चीफ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग रिसर्च क्वेश्चन इन द कंटेक्स ऑफ स्पॉटिंग गैप्स जो हमारा लिटरेचर रिव्यू में होता है उसे क्या कहते हैं तो आपको क्या लगता है क्या कहते हैं उसे ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफाइंग अंडर रिसर्च एरियाज रिकग्नाइज द गैप बिटवीन टू रिसर्च बैकग्राउंड्स आइडेंटिफाई दी इनकन्सिस्टेंस फाइंडिंग इन एन एरिया ऑफ रिसर्च या फिर रिकग्नाइजिंग गैप द करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ सैम्पल एंड पॉपुलेशन इनमें से किस क्या ऐसा वो है स्टेटमेंट है जो हम स्पॉटिंग uh, एप्स को हम, uh, किस नाम से बुलाते हैं बेसिकली तो हम इसमें क्या बोलेंगे कौन सा इसका आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू

पहला और थर्ड है जो है हमारा आइडेंटिफाइंग इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग इन एन एरिया ऑफ रिसर्च हमें क्या फाइंड आउट करना होता है एक्चुअल में इनकंसिस्टेंट मतलब कि जो चीज़ें रह गई हैं जो चीज़ लूप होल है वही तो हमें रिसर्च में फाइंड आउट करनी होती है. हैं लिटरेचर व्यू में हम बेसिकली करते क्या यही काम तो करते हैं तो so, इसलिए इसका आंसर ए एन सी फर्स्ट होगा नेक्स्ट वी हैव अच्छा इन ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च रिसर्चर कलेक्ट डेटा यूजिंग थियोरिटिकल सैम्पलिंग सॉरी इन ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्चर्स कलेक्ट डेटा यूजिंग थियरेटिकल सैम्पलिंग यूनिट्स थियरिटिकल सैचुरेशन अंटिल द थियरिटिकल सेचुरेशन अचीव्ड दिस प्रोसेस कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस आपको क्या लगता है कि जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है या उसमें जब रिसर्चर कोई डाटा कलेक्ट करता है तो वो किस तरह से करता होगा सबसे पहले थियरिटिकल डिसाइड करता है फिर डाटा कलेक्ट करता है फिर एनालाइज और फिर सेचुरेशन या फिर पहले क्वेश्चन बनाता है फिर डाटा कलेक्ट फिर थेरेटिकल सैम्पल और फिर एनालाइज करके फिर थेरेटिकल सेचुरेशन या सैंपल थेरेटिकल डिसाइडेड रिसर्च क्वेश्चन देन कलेक्ट डाटा एंड देन थेरेटिकल सेचुरेशन या फिर पहले जनरल रिसर्च क्वेश्चन फिर सैंपल थेरेटिकल डिसाइड फिर कलेक्ट करता है डाटा को फिर करता है एनालाइज और फिर थेरेटिकल सेचुरेशन आपको ये साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ दी करेक्ट आंसर कैसे सबसे पहले आप क्या करते हैं क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं उसके बाद आप उसके सैम्पल को डिसाइड करते हैं उसके बाद आप उसके लिए उसका डाटा कलेक्ट करते हैं उसके बाद आप उस डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके बाद आपका जो आता है वो आता है थियरिटिकल सेचूरेशन सो आंसर नंबर फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इस ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में कि ग्राउंडेड थ्योरी एक्चुअली है क्या सो so, ग्राउंडेड थ्योरी इज डेवलप्ड फ्रॉम द डेटा रैदर देन दी अदर वे अराउंड ग्राउंडेड थ्योरी कहाँ से डेवलप होती है वो आपके डेटा के अंदर से ही डेवलप होती है डेटा के बेसिस पे डेवलप होती है मेक्स दिस इज एन इंडक्टिव अप्रोच और कौन सी अप्रोच है ये क्वेश्चन आ सकता है ये आपकी एक इंडक्टिव अप्रोच है मीनिंग डार्टेड मूव फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द मोर जनरल और आपको पता है इंडक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं स्पेसिफिक से जनरल जाते हैं और डिडक्टिव में क्या करते थे जनरल से स्पेसिफिक जाते थे राइट ओके सो नेक्स्ट वी हैव द मेथड इज ऑफ स्टडी इज इसेंशियल बेस्ड ऑन थ्री एलिमेंट्स ये जो आपका मेथड है ये आपके तीन एलिमेंट्स पे बेस है पहला है आपका कंसेप्ट दूसरा है कैटेगरी और तीसरा है प्रपोजिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड वट वॉज ऑरिजिनली कॉल हाइपोथेसिस आपको पता है हाइपोथेसिस में होता क्या है कंसेप्ट होती हैं कैटेगरीज होती हैं प्रपोजिशंस होती हैं नाउ हाउ एवर कंसेप्ट आर द की एलिमेंट ऑफ द एनालिसिस एंड द इज डेवलप फ्रॉम देम लेकिन इन तीनों में कंसेप्ट में कैटेगरी में और आपका जो प्रपोजिशन है इसमें भी कंसेप्ट जो है वो आपका सुपीरियर होता है कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ डाटा रेदर देन द एक्चुअल डाटा हम क्या करते हैं कि इस डेटा uh, को ही कंसेप्चुलाइज करते हैं next, इन ऑफ दैट एक्चुअल डेटा आई होप इट्स क्लियर टू यू नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फेल्स टू इंडिकेट द इंटेंट ऑफ द परपसिव सैंपलिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फेल होता ही इंडिकेट करने में कि पर्पसिव सैंपलिंग ये इनमें से कौन सी है लेट्स रीड परपसिव सैम्पलिंग इज नॉट द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर सेलेक्टिंग केसेस एंड इंडिविजुअल इन क्वालिटेटिव रिसर्च क्या यही कारण है कि जो परपसिव सैप्लिंग होती है इज नॉट द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर सेलेक्टिंग द केसेस एंड इंडिविजुअल इन द क्वालिटेटिव रिसर्च या फिर सेकेंड परपसिव ऑफ सैम्पलिंग प्लेस द इन्वेस्टिगेटर्स रिसर्च क्वेश्चन एट द फोर फ्रंट कि वो इन्वेस्टिगेटर के रिसर्च क्वेश्चन को फोर फ्रंट लेकर आती है सैप्लिंग कंसिड्रेशन में थर्ड है थियरेटिकल सैचुरेशन इज़ यूजफुल प्रिंसिपल फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट सैम्पल साइज मतलब कि जो आपकी थेरेटिकल सैचुरेशन होती है जो उसमें होती है इज़ यूजफुल प्रिंसिपल फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट सैम्पल साइज़ तो ये तो आपको कहीं से भी बुराई लगी नहीं रही फोर्थ है देर इज अ कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट अबाउट व्हाट इज़ एन एक्सेप्टेबल मिनिमम सैम्पल साइज इज इन क्वालिटेटिव रिसर्च कहा गया है कि देर इज कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट अबाउट वट इज एन एक्सेप्टेबल मिनिमम सैंपल साइज इन क्वालिटेटिव रिसर्च बिल्कुल ठीक बात है परपसिव सैंपलिंग में क्या होता है कि आप इस चीज में आप समझ नहीं पाते हैं आपको यही नहीं पता होता कि एक्सेप्टेबल मिनिमम सैंपल साइज क्वालिटेटिव रिसर्च का कितना होना चाहिए जब हम बात करते हैं अपनी परपसिव सैंपलिंग की तो आंसर नंबर फोर्थ इज दी करेक्ट आंसर ये सबसे आपका परपसिव सैंपलिंग के जो आपका जो इंटेंट होता है उसको इंडिकेट नहीं करता